पंजाब का 2026 अरब का बजट पेश, तरक्याती बजट का हजम 238 अरब रुपए मुख्तस, तालीम के शोबे के लिए 373 अरब रुपए मुख्तस, सेहत के शोबे पर 284 अरब रुपए खर्च होंगे, मकामी हुकूमतों के लिए 438 अरब रुपए रखे गए हैं, वाटर सप्लाई फराहमी और नकासी आप पर भी 20.5 अरब रुपए खर्च करने की तजवीज़, शोबा तवानाई पर 5 अरब 40 करोड़ खर्च होंगे, सेफ सिटी अथॉरिटी के लिए 3 अरब 40 करोड़ मुख्तस। अपोजिशन ने हुकूमती बजट को मुस्तरद कर दिया। बजट इजलास के आगाज पर ही अपोजिशन की हंगामा राय, बजट की कॉपियां फाड़ दी, अपोजिशन अरकान का स्पीकर के डाइस का घेराव, हुकूमती अराकीन वजर खजाना के सामने दीवार बनाकर खड़े हो गए, अपोजिशन का अपनी नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज, अपोजिशन लीडर की कयादत में असेंबली की सीढ़ियों पर भी एहतजाज, डोंकी राजा सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, शर्म करो, हया करो, शहबाज शरीफ को रिहा करो के नारे। साबिक हुकूमत ने कर्ज लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। ऑरेंज लाइन मंसूबे की लागत बढ़कर 250 अरब रुपए तक पहुंच गई। ऑरेंज ट्रेन मंसूबे अवाम के गले का कांटा बन गए। कर्ज लेने का फैसला इंतहाई मजबूरी में किया। अवामी बहबूद पर पैसे खर्च किए जाएंगे। नौजवान को रोजगार की फराहमी के लिए पॉलिसी बनाई जा रही है। वजीर खजाना की बजट तकरीर। वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेरे सदारत पंजाब काबीना का इजलास, बजट इजलास की मंजूरी, एलडीए के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी, शेख मोहम्मद इमरान एलडीए के वाइस चेयरमैन और शेख इम्तियाज को वाइस चेयरमैन वासा तैनात कर दिया गया। वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार का कहना है कि बजट से पंजाब में खुशहाली और तरक्की का नया बाब खुलेगा। अदाद शुमार की हेरा फेरी नहीं, हकीकत पर मदनी बजट तैयार किया। सूबाई वजीर खजाना का इजलास से खिताब। अशियाना हाउसिंग स्कैंडल, शहबाज शरीफ मजीद 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले, 30 अक्टूबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। शहबाज शरीफ 10 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर एहतसाब अदालत में पेश। शहबाज शरीफ तआवुन नहीं कर रहे, तमाम सवालों से लाइल्मी का इजहार किया, मजीद तफ्तीश दरकार है। अशियाना केस में दूसरे लोगों को भी तलब किया है नैब प्रोसिक्यूटर। कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए शहबाज शरीफ का 2 रोजा राहदारी रिमांड भी मंजूर। आशियाना इकबाल स्कैंडल की तहकीकात, नैब रिपोर्ट में शहबाज शरीफ पर करप्शन का इल्जाम, ठेका बोली में कामयाब होने वाली लतीफ एंड सन्स कंपनी को दिया गया, बोली में नाकाम रहने वाली किसी कंपनी ने मुकर्रर वक्त में शिकायत नहीं की। शहबाज शरीफ ने गैर कानूनी तौर पर तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। नैब रिपोर्ट में इल्जाम।